नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अंतर्गत टॉपिक नंबर 12 जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका पहला पार्ट हमने इससे पहले देखा था। साइड माय बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें बाकी बचे हुए 25 प्रश्न हम देखेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हमने 25 प्रश्न देखे थे। तो 26 से लेकर 50 तक आज के इस पार्ट में हम प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो टॉपिक है उस पर आधारित आज का सेकेंड पार्ट। 26 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो कि मूल अधिकार में नहीं है, ये आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया है। बताइए, अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की कहीं भी स्वतंत्रता, या फिर धर्म की स्वतंत्रता, या फिर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो बताइए नीति निर्देशक तत्व में ऐसा क्या जो है वो शामिल है जो कि मूल अधिकार में जो है वो नहीं है। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप कहेंगे जो कुटीर उद्योग है ना, उनको प्रोत्साहन मूल अधिकार में नहीं दिया गया है, जबकि अस्पृश्यता आपका दिया गया है। मैंने काफी बार बताया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मूल अधिकार में आता है। आने जाने की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें मूल अधिकार में है, परंतु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मूल अधिकार में नहीं दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसको प्रायः समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, या फिर आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला ही ऑप्शन आपका ग्राम पंचायत की स्थापना जो है ये आपका समाजवादी के अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। 28 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत जो है वो कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। गांधीवादी सिद्धांत जो है वो किसे कहा जाता है, श्रमिक और बच्चों का संरक्षण, या फिर स्वशासन के प्रभावी जो एकल है उनके रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, या फिर पुरुष और महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, या फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, पृथक करना। तो गांधीवादी जो सिद्धांत है वो आपका बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्वशासन, इसके पक्ष में थे, इस वर्ड से आप इस ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि स्वशासन के प्रभावी जो एकलक हैं एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। अगला देखते हैं आपका 29 प्रश्न की नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, नागरिकों के लिए है, या फिर राज्य के लिए है, या फिर समाज के लिए है, या फिर संघ के लिए है। बताइए इसका महत्व जो है वो किसके लिए है नीति निर्देशक तत्वों का। तो अगर जो टॉपिक है आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो टॉपिक ही आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो एक टॉपिक है वो क्या है, राज्य के। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसका महत्व किसके लिए है, तो राज्यों के लिए है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न यह है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए इन चार ऑप्शन में से मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता जो है वो लागू है। तो आंसर की बात करते हैं चारों ही ऑप्शन में से, तो आपका गोवा जो है यहां पर सही हो जाएगा। और पूरे अगर बात करें देश में तो लगातार समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बात भी चल रही है, और एक तारीख है 23 नवंबर 2021 की, उसमें इसको लेकर जो है वो विचार भी किया जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष, कौन सा इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर की बात करते हैं, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि 14 वर्ष जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी है, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न 32 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग है, भिन्न है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। प्रश्न आपका है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस प्रकार मौलिक अधिकारों से जो है वो भिन्न है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर की, डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे चारों ऑप्शन ना पढ़ के। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा
कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो प्रवर्तनीय जो है वो नहीं होते हैं, जबकि जो मूल अधिकार होते हैं वो प्रवर्तनीय होते हैं, और यही होता है इनमें डिफरेंस। तो यही आपसे पूछा गया था किस प्रकार जो है वो भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 कि भारतीय संविधान जो है उसके कौन सा ऐसा संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। बेहतरीन प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कि कौन सा ऐसा संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 34 कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है वो वर्णित है। अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 49 में, या फिर अनुच्छेद 51 में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि भारतीय संविधान जो है उसके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है वो वर्णित है। तो बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, आपका अनुच्छेद 38 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 38 है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है, और यहाँ पर जो अनुच्छेद है ना ये सभी आपके संबंधित हो जाएंगे नीति निर्देशक तत्वों से, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था पहले वाले पार्ट में कि कहाँ से कहाँ तक नीति निर्देशक तत्व आपके आते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो है। अनुच्छेद 39, 39A, 40 या फिर 44। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस हम आपको कराते रहें। संविधान पर आधारित प्रश्न है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम होंगे। वैसे तो अभी कुछ तारीख का क्लियर नहीं है, पर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर प्रश्न आने ही आने हैं, इसीलिए हम संविधान को लेकर चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो 39A, 39A ऑप्शन नंबर बी ये जो है वो सही होगा, समान न्याय और आप क्या कहेंगे निशुल्क विधि सहायता। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 39A में जो है वो किया गया है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित जो अनुच्छेद है ना इनमें ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। बताइए 32, 40, 48 या 51। आप सोच ये भी सकते हैं कि अनुच्छेद वाला तो मैंने एक टॉपिक करा दिया था, फिर से यहाँ पर अनुच्छेद क्यों पूछा जा रहा है। रीजन ये टॉपिक वाइज के अंतर्गत है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो मैंने बताया था 36 से लेकर 51 तक आते हैं। तो देखिए जितने भी अनुच्छेद हैं बस इन्हीं के बीच के ही हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में भी तो अनुच्छेद पूछे जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। बस इतनी सी लाइन याद रखिएगा, यही यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है। 37 प्रश्न है आपका, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात जो है किसमें कही गई है। और यही प्रश्न की अभी ऊपर मैंने बात भी कही थी, कहा था ना कि वो जो पर्टिकुलर राज्य था उसमें तो है, पर वैसे भी लगातार बात की गई है, और संविधान का एक संशोधन भी है, संशोधन ना क्या कहें अनुच्छेद कहें तो ज्यादा सही होगा, अनुच्छेद दिया है जिसमें इसको लेकर बात की गई है, जिसको हम समान नागरिक संहिता जो है वो के नाम से जानते हैं, और यही चीज यहाँ पर समान सिविल संहिता के नाम से लिखी है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अनुच्छेद 44 आपका जो है वो सही होगा। 23 नवंबर 1948 जो है इसको अनुच्छेद 44 हमारे संविधान में जोड़ा गया था, और इसी के माध्यम से सरकार को निर्देश दिया गया था कि वो देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू जो है वो करे। पर इसको लेकर बात चल रही है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया था। 38 प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख जो है वो किया गया है। 45, 46, 58, 50 चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। यही आई थिंक प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका आंसर जो है वो देंगे। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में जो है वो दिया गया है, ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। आपका ऑप्शन
डी वाला अनुच्छेद 50 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 में उल्लेख किया गया है जो कि है आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। 39 प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनमें से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, अनुच्छेद 48, 51, 52 या फिर 54। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से जो है वो है, ये आपको जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की चार ऑप्शन में से। तो अनुच्छेद 51 आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो 51 का संबंध है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन। अगला प्रश्न 40 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अच्छा प्रश्न है, बताइए निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा जो है वो किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, 46, 47 या फिर 48। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन है बीसीडी में। तो आपका 46 अनुच्छेद बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 46, जिसमें जो है निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है। 41 प्रश्न है आपका, काम करने के अधिकार जो है उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने का अधिकार पूछा गया है, अनुच्छेद 18, 21, 41 या फिर 46। काम करने का जो अधिकार है उसको राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनमें निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन अनुच्छेद 41 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जब बात की गई है यहाँ पर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस में रखा गया अनुच्छेद में, और आपको नहीं पता किस अनुच्छेद में, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद 18 और 21 नीति निर्देशक तत्वों में आता ही नहीं है, वो तो मौलिक अधिकार में आता है, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। तो ये भी एक तरीका है जो आप अपने प्रश्न में जब नहीं आ रहा होगा तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 42 प्रश्न, सूची एक सूची दो सुमेलित करना है। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित जो है वो विषय लिखे हुए हैं। अब आपको सुमेलित करके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, कि कौन सा किससे जो है वो संबंधित होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है, तो पहले वाले ऑप्शन को थोड़ा सा अच्छा जूम करके देखते हैं ताकि और ज्यादा दिखाई दे। तो सभी देखिए 1, 2, 3, 4 मतलब सभी आमने सामने ही लिखे हुए हैं, किसी को किसी से मैच करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, याद रखिएगा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, यही प्रश्न के ऊपर आया भी था। अनुच्छेद 41 है काम करने का अधिकार, यही तो पूछा गया था। अगला अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता जो है इससे संबंधित, और 48 जो है वो कृषि और पशुपालन का गठन। तो ये इस प्रकार से आपका मैच हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 ए वाला ऑप्शन ही आपका जो है यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 43 प्रश्न, प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें शामिल है, बताइए। पहला है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, दूसरा है कि मादक जो पेय हैं इसमें जैसे क्या आता है, जैसे शराब हो गया, ये सारी चीजें हैं, और साथ ही साथ स्वास्थ्य जो है उसके लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोग से भिन्न, प्रयोग नहीं यहाँ पर प्रयोजन है, थोड़ा सा साइड में कर दिया ताकि क्लियर दिखाई दे, औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ये दो पॉइंट है आपको बताना, यह है कि इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उनमें शामिल है, केवल पहला शामिल है, दूसरा भी शामिल है केवल, या दोनों ही शामिल है, या तो दोनों में से कोई नहीं शामिल है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो केवल और केवल दूसरा ही आपका शामिल है जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 44, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो है आपका नहीं है, आपको चाटना है कौन सा इनमें से उद्देश्य जो है वो नहीं है। पहला कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना,
सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, और तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, और चौथा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनका उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, पहला तो बिल्कुल है, दूसरा भी बिल्कुल है, कल्याणकारी राज्य हो गया चाहे सामाजिक आर्थिक कल्याण है, बिल्कुल दोनों सही है। प्रश्न में नहीं पूछा गया है तो डी वाले ऑप्शन के साथ आप जाएंगे कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये किसी भी प्रकार से उद्देश्य नहीं है, बस डी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45। इनमें से कौन राज्य जो है उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, बताइए। चार यहाँ पर ऑप्शन है, मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, या फिर सूचना का अधिकार। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनमें से कौन जो है वो सम्मिलित नहीं है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, सूचना का अधिकार जो है वो नीति निर्देशक में सिद्धांत जो है उनमें सम्मिलित जो है वो नहीं है, बाकी सभी जो है इसमें आते हैं। 46 प्रश्न है कि कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व जो है उनमें नहीं जोड़ा गया है, इस चीज को समझिए, नहीं जोड़ा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि शोषण जो है उससे युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, या फिर सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, या फिर उद्योगों के प्रबंधन में जो श्रमिक हैं उनकी भागीदारी। तो बताइए इनमें से कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। उत्तर की बात करते हैं तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, सभी नागरिक जो है उनके लिए समान आचार संहिता ये नहीं जोड़ा गया है। मैंने पहले ही आपको बताया था वो 44वें संविधान संशोधन में आता है। देखिए थोड़ा सा फर्क है, यहाँ 42 है, वहां 44 था। 47 प्रश्न आपका है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है वो पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर ए और सी दोनों में। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किनमें पाया जाता है, चलिए बात करते हैं आंसर की। चार ऑप्शन में आपका डी वाला ऑप्शन, ए वाला भी यानी, और सी वाला भी यानी, संविधान की प्रस्तावना में भी और साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्वों में, दोनों में जो है ये पाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान जो है उसमें प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित जो प्रावधान है उन पर विचार करना है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भारतीय जो नागरिक हैं, नीचे पूछा क्या गया है कि इनमें जो दिए गए हैं चार पॉइंट कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित जो है वो होते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए, पहला कह रहा है भारतीय जो नागरिक हैं उनके लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, दूसरा आपका ये कह रहा है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तीसरा कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग जो है उनको प्रोत्साहित करना। ये भी ध्यान दीजिए, गांधीवादी सिद्धांत भी आपको इसमें होना चाहिए। तो ये ग्राम पंचायत को संगठित करना, ये पॉइंट ऊपर मैंने बताया था कि गांधीवादी जो सिद्धांत है इससे प्रभावित है। ग्रामीण क्षेत्रों वाला ये भी है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। चौथा कह रहा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर, ये नहीं है। तो केवल दूसरा और तीसरा है जो कि देखिए बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, बस यही जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 49, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुल 50 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे, और ये 49 नंबर प्रश्न है, इसके बाद हम देखेंगे 50 नंबर प्रश्न, उसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, या फिर सभी। तो आप क्या कहेंगे, चारों ही सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, पर वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगी, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग जो है आपका नहीं है, आपको बताना है। पहला है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, या फिर तीसरा है स्वीय
जो विधि है पर्सनल लॉ है उसका संरक्षण, और डी है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। तो ये चार यहाँ पर हैं, आपको बताना है कि नीति के निर्देशक तत्व का भाग जो है इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो सी वाला नहीं है, स्वीय विधि पर्सनल लॉ जो है उसका संरक्षण ये जो है इसमें नहीं आता है। अब वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है, और हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य। तो उसी से ही हमारा ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनको शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन है आयरलैंड, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, और डी ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन एबीसीडी में से अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।